खनन माफिया विनोद यादव का नाम तो आपने खूब सुना होगा, पर आज वो गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। बाराबंकी जनपद के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है खनन माफियाओं के खिलाफ। 5 सदस्यों को गिरफ्तार करने एवं 8 जेसीबी डंपर बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। अब इस दौरान बाराबंकी जनपद के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने प्रेस वार्ता कर मामले की पूरी जानकारी दी है। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर, क्या गुड वर्क हुआ आज? सर, ये जानकारी लंबे समय से मिल रही थी कि जनपद बाराबंकी में अवैध रूप से मिट्टी का खनन करने वाले गैंग काम कर रहे हैं। फुटपुट बहुत सी ट्रकें, बहुत से डंपर बरामद किए गए थे, लेकिन हमारी टीम ने एक ऑर्गेनाइज तरीके से अवैध खनन करने वालों के ऊपर काम शुरू किया। एसपी साउथ श्री मनोज पांडे के नेतृत्व में जो टीम गठित हुई, उसमें सीओ सदर, इंस्पेक्टर सत्रिक, इंस्पेक्टर कोतवाली, सर्वलान सेल, स्वाट टीम, इन सारे लोगों ने मिलकर इस एक संस्था को विकसित किया, जिसमें थाना सत्रिक के अंतर्गत एक गांव में बड़ी मात्रा में अवैध खनन हो रहा था। 10:50 की रात में वहां से 2 जेसीबी और 6 डंपर पकड़े गए थे। उस व्यवस्था को विकसित करते हुए इस अवैध खनन के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी के बाद आज उन्हें न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसमें जो सर्वाधिक चर्चित नाम है वो विनोद यादव का है, जो मूल रूप से कोतवाली का रहने वाला है, और उसने जो गौर चिन्हट में एक फर्म खोल रखी है मिट्टी के सप्लाई के लिए, लेकिन उस फर्म की जो वैध खनन होता है उसकी आड़ में सैकड़ों घन मीटर वो अवैध खनन करता है, दबंगई के बल पर करता है, गांव वालों को डरा धमका कर करता है। इसमें उसके तमाम गैंग के लोग हैं, जिनके एक दो करके डंपर या जेसीबीज हैं, उनके साथ मिलाकर ये जो बड़े स्तर के काम होते हैं, रेलवे के या चौड़ीकरण है या सड़कों का की भराई है, इस तरह के काम में मिट्टी, चोरी की मिट्टी सप्लाई करता है और बड़ा धन इससे कमाता है। पूछताछ पर मालूम पड़ा कि वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसे जो ट्रिक ऑफ द ट्रेड है वो सारे आते हैं। जिलाधिकारी कार्यालय से पता करने पर ज्ञात हुआ है कि जिस स्थान पर ये खनन हो रहा था वहाँ पर दाऊदपुर गांव है सत्रिक का, वहाँ जिलाधिकारी कार्यालय के स्तर से कोई अनुमति नहीं दी गई है। इस प्रकार ये पूरी तरह से अवैध। सर, क्या किसी के संरक्षण में काम करता है, क्योंकि ये जाना पहचाना नाम है, काफ़ी अरसे से मिट्टी का काम कर रहा है, तो क्या नहीं लगता आपको किसी का संरक्षण में इसका इतना बड़ा काम कर रहा था? अभी इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं आई है। अभी तक जो हमने 5 आदमी अरेस्ट किए हैं, उस हायरकी में सबसे ऊपर ये स्वयं है। ये विवेचना का विषय है कि क्या इसे कोई संरक्षण प्राप्त है या कोई और सहयोगी इसका है। ये संबंध में विवेचना में अगर कोई व्यक्ति प्रकाश में आता है तो उसके खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। सर, इसके अवधि करने के हैं क्या? ये जानकारी मारा है क्योंकि आज ही की ये कार्रवाई है, और जो मुकदमे होंगे उनके आधार पर भी अगर कोई अग्रिम कार्रवाई हो सकेगी तो वो भी इसके खिलाफ की जाएगी। पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई? जिस दिन ये अवैध खनन हुआ था तो एक नैतिक दायित्व होता है पुलिस का, इतने बड़े स्तर पर खनन हो रहा है और स्थानीय पुलिस को मालूम नहीं है, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैंने उसी दिन थाना प्रभारी सत्र को लाइन हाजिर कर दिया था, और ये जो बीट के जिम्मेदार कर्मी थे उनको सस्पेंड कर दिया था। कुछ भी कह लीजिए, आपने प्रेस वार्ताएं तो बहुत ही देखी होंगी, पर ये प्रेस वार्ता सच में अलग थी, क्योंकि बाराबंकी जनपद में शायद ही ऐसा हुआ हो कि खनन माफियाओं के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की गई। फिलहाल बाराबंकी जनपद समेत उत्तर प्रदेश के लिए एबीएन न्यूज 24 की ब्यूरो रिपोर्ट, और सतरिक क्षेत्र के लिए सत्येंद्र कुमार की रिपोर्ट। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की दमदार खबरें आपको मिलेंगी सिर्फ एबीएन न्यूज 24 पर।